जो सिंध सरकार के तालीम के दावे हैं धरे के धरे रह गए। इस वक्त हम मैं मौजूद हूँ अलीबख्श सोलंगी स्कूल में, जहाँ पर सहूलत ना होने, पानी की सहूलत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फर्नीचर की बिल्कुल सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पर नीचे बैठकर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं सख्त गर्मी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीबख्श सोलंगी स्कूल में, जहाँ पर टीचर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे इस जदीद दौर में भी फर्श के ऊपर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, और इधर बिजली का भी कोई सहूलत वगैरह मौजूद नहीं है, सख्त गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं नीचे बैठ के, और पानी का भी फुकदान है, साफ़ पानी का पीने का वो भी नहीं है, चार दीवारी भी अभी तक नहीं बनी हुई है। हमारी गवर्नमेंट हुकूमत से इस्तदा है कि हमारे को ये सहूलतें फराहम की जाएँ। जी, आपने टीचर की बातें सुनी कि बिल्कुल यहाँ पर पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पर वाशरूम या चौदीवारी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर जो बच्चे हैं बाहर निकल जाते हैं, एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है। हम आला हुक्मरानों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो सहूलतें हैं वो हमें फराहम की जाएँ।